कैसे हैं मेरी YouTube फैमिली। यार हम रात का ब्लॉग बना रहे हैं अपने कैमरा क्वालिटी के लिए कि GoPro 10 हमने जो लिया है उसकी क्वालिटी रात को कैसी आती है। तो चलते हैं और इसकी क्वालिटी और ऑडियो दोनों पे देखेंगे कि क्या क्वालिटी आती है। और रात को देखो क्या प्यारे ही लग रहे हैं यार तिरंगा अपना, बहुत बढ़िया लग रहा है यार, ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये फ्लाई ओवर ना 18 का ये फ्लाई ओवर है, बहुत अच्छा लग रहा है, तिरंगे की शान है भाई। और इस कलर का रात को तो अच्छा ही लगता है। तो आज हम बात करेंगे यार, रात को मैं स्पेशली इसलिए ब्लॉग बना रहा हूँ स्पेशल कि भाई क्या क्वालिटी आती है इसकी, और वही अपना जो वॉल्यूम है, जो माउस बोलना है, हमें कैसे बोलना है, क्या बोलना है, तो नाइट को भी पता चल जाएगा कि भाई कितना अच्छा लग रहा है नाइट में बात करके। तो कैमरा GoPro 10 लिया है मैंने, लिया था थोड़े टाइम पहले तो 28 के आसपास था, 28-30 हज़ार के पास। तो मेरे पास GoPro 8 था, तो मैंने इसको अपग्रेड किया है और अच्छा रिज़ल्ट मिला है मुझे। मुझे बस एक चीज़ पूछनी है कि GoPro 9 8 में 60 FPS आता है, मुझे इसमें आ नहीं रहा। मैंने कई वीडियो भी देख ली है बट इसमें 60 FPS इसमें ऑप्शन ही नहीं आ रहा। तो क्या आपके कैमरे में 60 FPS है जिससे कि आप यार 60 FPS पे कर सको बैठ। मैंने हाइपर स्मूथ पे शूट कर रहा हूँ, पूरा हाइपर स्मूथ है तो उस पर मैं शूट कर रहा हूँ, तो कोई वैसे तो इशू नहीं है। बट हाँ देखा जाए तो नाइट का कैसा आता है इसका, इसमें कलर थोड़े अच्छे हैं, इन्हांस कर दिया गया, इनबिल्ट थोड़ा अच्छा कर दिया है, बैटरी का जो बैकअप है वो थोड़ा सा अच्छा कर दिया है। प्लस दूसरा सा इसमें सबसे अच्छी बात है कि इसमें फ्रंट और बैक जब आप ऐसे करके ब्लॉग बनाते हो तो आप अपने आप को देख सकते हो, मिरर वाला इसमें इफेक्ट है, मतलब आप क्या बोल रहे हो, तो आप छोटा सा स्क्रीन है इसमें साइड में, आप उसमें प्रीव्यू कर सकते हो कि मैं कहाँ देख रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ। तो वो एक अच्छा ऑप्शन है GoPro 10 में। और आप यार ज़रूर बताना कि यार की ऑडियो क्वालिटी कैसी आ रही है इस कैमरे से, प्लस वीडियो क्वालिटी किस पे आ रही है, अच्छी आ रही है, कैसी आ रही है। तो मैं इस पे बेसिक में कर रहा हूँ, 1080 50 FPS पे कर रहा हूँ इसको। और जो मैंने इसका एंटी फ्लिकर है 50 MHz रखा है, 60 पे हम इसलिए नहीं रखते जब आप इंडोर में होते हो। कैमरे की खासियत है कि जब आप इंडोर में रहते हो तो जो लाइटें लगी थी ना गोल गोल सी LED, तो वो क्या है फ्लिकर मारता है आपके इंडोर शूट में। कभी आप किस शॉप पे जा रहे हो, कुछ दिखा रहे हो, या आप कहीं पे भी जा रहे हो, कुछ गैजेट ले रहे हो अपने राइडिंग से, गियर जो भी कुछ ले रहे हो और आप उसका ब्लॉग बना रहे हो, तो वहाँ पे वो एंटी फ्लिकर काम आता है GoPro में। 50 Hz पे आप इसको फ्लिकर का एक ऑप्शन आता है एंटी फ्लिकर का, तो 50 Hz पे आप उसको शूट करोगे, सेटिंग रखोगे तो आपका फ्लिकरिंग नहीं मारेगी। तो इस पर एक मैं और सेटिंग करके बता दूंगा जब भी मुझे मौका मिलेगा। वैसे तो आप मेरे शूट देखना जो मैं इंडोर करता हूँ उसमें फ्लिकर नहीं आता, तो ये दिक्कत नहीं है, वो सही रहेगा। तो अभी अपन कर रहे हैं इसका टेस्ट, और इसका जो वाइड है वो भी अच्छा है, बूस्ट भी अच्छा है, बट मेरे को हाइपर स्मूथ चाहिए था थोड़ी सी। और कहते हैं ना जब हम बाइक ऐसे 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 करते हैं, थोड़ा सा लीन भी करते हैं जैसे ये है, तो एक थोड़ी सी स्मूथनेस आनी चाहिए, तो वो मुझे पिछले वीडियो में कम आई। तो मैंने इसको स्टैंडर्ड पे रखा हुआ था जो उसका हाइपर स्मूथ है, जो उसका स्टेबिलिटी है, तो पहले वो स्टैंडर्ड पे था, अब मैंने करा है एकदम बूस्ट कर दिया है, एकदम टॉप लेवल पे, टॉप पे। तो देखते हैं वीडियो का आउटपुट कैसा आएगा, तो ये बहुत ज़रूरी है और पता भी चल जाएगा भैया कि नाइट में कभी हम ट्रैवल कर रहे हो और ब्लॉग बनाने हो तो भाई वहाँ काम आएगा नहीं आएगा ये भी नहीं पता, तो ये भी देखना पड़ेगा। GoPro अच्छा है और बैटरी बैकअप भी ज़्यादा, अगर आप कंटिन्यू शूट करेंगे तो 30-40 मिनट के आसपास आप शूट कर सकते हो उसमें। और यार आप बैटरी बैकअप लेके ज़रूर चलो, मेरे पास नहीं है मैं ज़रूर लूँगा, मतलब दो छोटी छोटी बैटरी आती है वो आप अपने टॉप बॉक्स में या टेल बैग में या कहीं पे भी छोटे से पॉकेट में डालना, उसमें छोटा सा एक आता है अडप्टर, वो दो बैटरियों का आता है, दो बैटरी आप ले लो उसमें डालो, जब भी आप लॉन्ग शूट पर डाल रहे हो निकालो उस पर डाल दो, बैटरी चेंज करो और 5-7 मिनट के लिए इसको आराम दे दो अपने GoPro को, 5-10 मिनट के लिए, और फिर चलाओ उसको बिंदास। तो GoPro लेने का ये था कि थोड़े से कलर इसमें नो डाउट अच्छे आते हैं जहाँ तक मैंने रिव्यूज़ देखे थे, और हैंग भी कम होता है। तो 11 और 12 ज़रा, अरे भाई क्या हो गया, क्या हो गया इतनी देर में, क्या हो गया, तो मैंने जो सुना है 11 12 थोड़ा सा ज़्यादा हैंग होता है अकॉर्डिंग टू 10 और 8, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, बेटर है कि हम
10 पे मैं इसीलिए गया, मतलब 500 700 2000 2500 3000 का फ़र्क होगा जैसा था। 11 12 भी ले सकता था, पर यार मेरे को रिव्यू 10 के ज़्यादा अच्छे थे इसलिए मैंने GoPro 10 लिया। बाकी आप बताएं यार कि व्यू कैसा आ रहा है आपको, टाइगर दिख रही है, कैसा व्यू आ रहा है? और देखो कितना प्यारा लग रहा है यार ये रात को, बहुत अच्छा लग रहा है। तो व्यू कैसा आ रहा है, कलर कैसा आ रहा है यार, आप प्लीज़ बताना। आप उनसे जब कुछ फीडबैक देते हो ना तो उस पर हम काम करते हैं। जैसे कई बार मैंने वीडियो डाला उसमें ऑडियो का सही नहीं बना, और एक्चुअल में यार सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ना किसी भी ब्लॉगिंग में आपका ऑडियो होता है, मोटो, खासकर मोटो ब्लॉग में। अगर आप गाड़ी पर जा रहे हैं तो शीशे बंद है, नॉइस आएगी नहीं आएगी कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप ब्लॉग बना रहे हैं ना स्पेशल, तो आपका ना ऑडियो ना अच्छा होना चाहिए, तभी वो सक्सेस होता है भाई, तभी मज़ा आता है। मैंने क्वालिटी तो चेक कर ली है, ऑडियो की भी ठीक हो गई है, और वीडियो की आज हो जाएगी कि नाइट विजन कैसा आता है। प्लस मुझे इसका यार एक और चीज़ करना है कि वाटर प्रूफिंग का, तो कहीं जाएंगे तो बारिश मिलेगी तो देखेंगे कि भाई वाटर प्रूफ जो हम करते हैं जुगाड़ होता है, वाटर प्रूफ अगर मैंने केसिंग डाल दी तो भाई किसी भी हालत में आपको ऑडियो नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें ऑप्शन ही नहीं होता ऑडियो का। तो वो एक वो जनरली प्रॉब्लम है कि आपको ऑडियो नहीं मिल पाएगा, तो उसको लिए हमें क्या करना पड़ता है, कोई जुगाड़ करना पड़ता है। वो जुगाड़ मुझे पता है कि मैं इसे वाटरप्रूफ कैसे करूँगा, किससे करना ये भी बता दूँगा, तो ये सक्सेस हो जाए। जैसे मेरा ऑडियो का हो गया है, मैं क्लियर हो गया हूँ कि हाँ यार अब मेरा ऑडियो ठीक आएगा, इतना मुझे अब कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ मुझे ऑडियो अब ठीक आने वाला है ऑडियो। दूसरा वीडियो क्वालिटी आज पता चल जाएगा कि हाँ भाई वीडियो क्वालिटी सही आ रही है कि नहीं आ रही है, एक वो भी पता चल जाएगा। तीसरा हमें पता चलेगा कि यार मेरा जो भाई, जब बारिश होती है तो कई अच्छी चीज़ें दिख जाती हैं, वो हम कैप्चर नहीं कर पाते, तो वो भी वाटरप्रूफिंग कर देंगे, तो वो भी दिखाऊंगा कैसे करी है। बट पहले ऑडियो कैप्चर हो गया अच्छा हमारा, उसके बाद हम वीडियो चलेंगे। दिन में तो कोई दिक्कत नहीं है, रात का विजन कैसा आता है ये इम्पॉर्टेंट है, तो वो भी हो जाएगा। उसके बाद हम वाटरप्रूफिंग करेंगे, जब बारिश हो रही होगी तो ले जाएंगे भाई बारिश में आप लोगों के कंटेंट के लिए कि कैसे हम इसको ठीक करें। तो बारिश के लिए भी बनाएंगे, ताकि अगर आप कोई भी कैमरा ले रहे हो, ज़रूरी नहीं है ये लो, कोई भी कैमरा ले रहे हो, तो बस ब्लॉग को एंड करने वाले यार पहुंच गए हम घर। और क्या हो गया भाई, इतनी पीछे क्यों ले रहा भाई रात को बाइक। तो ब्लॉग को करते हैं एंड, आई होप और मैं फिंगर क्रॉस कर रहा हूँ कि भाई अपना वीडियो सही आ जाए रात के नाइट का विजन का। और देखो यहाँ बिल्कुल अंधेरा है, यहाँ लाइट नहीं है, तो यहाँ का पता चल जाएगा कि विजन कैसा आ रहा है हमारा, किस तरीके का आ रहा है। तो करते हैं एंड ब्लॉग को, तो भाई को खूब सारा प्यार दिखाओ, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और भाई लाइक तो करना ही है। तो बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय।